मैं हूँ इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। MIM में उठ रहे विरोध सुर के बाद अब क्या असदुद्दीन ओवैसी अपने फैसले से पीछे हटेंगे? विधानसभा चुनाव नज़दीक है और मुमरा कलवा से MIM के करीब 9 लोगों ने टिकट मांगा था, मगर गुंजन सेठ को टिकट मिला है। मुमरा में MIM पार्टी में इसको लेकर खलबली मची हुई है। अब सभी उम्मीदवार अब गुंजन सेठ का विरोध कर रहे हैं, उनके खिलाफ हो गए हैं। सोशल मीडिया पर भी टिप्पणी की जा रही है, विरोध किया जा रहा है, गुंजन सेठ को टिकट क्यों दिया गया। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर जो टिप्पणी की जा रही है उसमें सैफ पठान या फिर एजाज खान को टिकट देने की बात सामने आ रही है। शहर में भी इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं। वहीं सालवा होटल में गुंजन सेठ, सैफ पठान, रौफ लाला, महेंद्र कुमलेकर, नईम खान, इसी तरह के कई इच्छुक उम्मीदवारों ने मीटिंग की और मीटिंग में भी इन लोगों ने ये तय किया था कि हम लोगों में से किसी को भी टिकट मिलेगा हम उसका समर्थन करेंगे। मगर अब वहीं लोग गुंजन सेठ को टिकट मिलने के बाद पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर टिप्पणी से लेकर और भी कई तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। वहीं एजाज खान को भी चुनाव मैदान में उतारने के लिए मुमरा MIM पार्टी के लोग एजाज खान को मुमरा से चुनाव लड़ाने के लिए मुमरा भी लेकर आए थे। एजाज खान द्वारा जारी किए गए वीडियो में एजाज खान ने खुद बताया कि MIM से आपके सिवा कोई भी कैंडिडेट उतारा जाएगा तो वो जीत नहीं पाएगा। मगर मुमरा कलवा से चुनाव लड़ने के लिए एजाज खान ने भी MIM पार्टी से टिकट मांगा था। टिकट नहीं मिलने पर एजाज खान ने कहा कि सोशल मीडिया पर ब्लॉक मत करो, जवाब दो, असदुद्दीन ओवैसी और मोदी में बहुत फर्क है। मुमरा से किसी मुसलमान का इलेक्शन जीतना बहुत जरूरी था। क्यों? क्योंकि मुमरा से मेरे पास MIM के लोग आए। देखो, मुमरा में एक दो बार गया हूं लेकिन मैं ये चीजों से वाकिफ नहीं था। मेरे पास मुमरा से नासिर खान और महेंद्र जी और रऊफ लाला और रिपोर्टर, कई औरतें, कई लोग मेरे पास हमेशा। लेकिन MIM की टीम जब मेरे पास आई तो मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ मुमरा चलता हूं, वहां का दौरा करता हूं। उन्होंने मेरे को बोला कि भाई ऐसा है कि मुमरा बहुत परेशान है, जितेंद्र अवार्ड से कोई नहीं जीत सकता, कोई भी MIM का या वहां का कोई भी लीडर, मतलब पूरे MIM में जितने लीडर है, असद साहब को छोड़ के, अकबर भाई को छोड़ के, कि मुमरा से कोई भी खड़ा होगा तो हार जाएगा। ये MIM का टीम वालों का, वहां के जो जब से MIM बनी है तब से काम कर रहे उन लोगों का कहना है। अगर आप सदर है, बड़े हैं, मुसलमानों के रहनुमा है तो मुसलमानों की गुहार सुनिए, क्योंकि हिंदुस्तान के सारे मुसलमान आपसे गुहार लगा रहे हैं। अभी आप ट्विटर पे उनको ब्लॉक मत करिए, आप फेसबुक पे उनको ब्लॉक मत करवाइए, आप उनके जवाब दीजिए, आप बताइए कि आप में और नरेंद्र मोदी में बहुत फर्क है। एक तरफ एजाज खान टिकट की मांग कर रहे हैं तो वहीं मुमरा में MIM से गुंजन सेठ को टिकट मिलने पर विरोध हो रहा है। तो क्या ऐसे में माना जाए कि असदुद्दीन ओवैसी को अपना फैसला बदलना पड़ेगा या फिर अपने फैसले पर कायम रहेंगे? तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।